हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फहद आप लोगों के लिए एक आज वीडियो लेके आया हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में कोताही कर गया और तभी मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ लोग अनसब्सक्राइब करके चले गए कि इस पर कुछ होता नहीं है, यूट्यूब का मतलब उस पर हमेशा एक्टिव रही है, तो मेरी गलती थी इसलिए चले गए। तो बहुत बहुत उसके लिए सॉरी। आप फिर आज की वीडियो में बताऊँगा, आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे, कुछ पता चल गया होगा आज की वीडियो में किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आज मैं बताऊंगा, कुछ बिना कुछ देर किए मैं अब क्या करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि बेरोज़गार किसे कहते हैं, यानी कि आखिर बेरोज़गारी है क्या हमारे देश में, यानी कि इंडिया में। हम इंडिया की बात करेंगे, ना कि अमेरिका, ना तो लंदन, या तो चाइना, ये सब की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में बात करते हैं हम, देखिए यूपी से हैं और इंडिया से बात करते हैं, मतलब इंडिया के बारे में पहले बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलेंगे कि ये बेरोज़गार हैं। इंडिया में कुछ ज़्यादा ही बेरोज़गार रहते हैं। क्यों बेरोज़गार हैं, कैसे बेरोज़गार हैं, ये नहीं सोचेंगे। बस बेरोज़गार हैं, क्यों बेरोज़गार हैं ये नहीं सोचेंगे। अब अगर बात की जाए बेरोज़गार का, अगर नाम हम ले लेते हैं तो मालूम सबके जहन में एक ही चीज़ आता है कि हमारे यहाँ शिक्षा जो है, यानी कि शिक्षित लोग की कमी है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण यहाँ पे बेरोज़गारी आती है। लेकिन हमारा मानना है कि ये सरासर गलत है कि यहाँ पे शिक्षित लोगों की कमी है। यहाँ पे इतने शिक्षित लोग हैं ना, गांव में अगर ढूंढोगे ना तो फिर अनपढ़ लोग कम ही मिलेंगे, अशिक्षित लोग कम मिलेंगे, शिक्षित लोग हमें ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि अगर हम 100 लोगों को ढूंढेंगे, 100 आदमी को इकट्ठा कर लो, उसमें क्या करेंगे, 90 आदमी जो होंगे, यानी 90 आदमी जो होंगे वो शिक्षित होंगे, और जो बेचारे 10 आदमी बचेंगे वो क्या होंगे, अनपढ़ मिलेंगे। अगर ना हो तो कल जाके अपने गांव में कभी ढूंढ लेना, अपने गांव में चेक कर लेना एक बार कि ये सच है या गलत। ये सच है कि 10 जो 90 आदमी शिक्षित मिलेंगे, 10 आदमी जो मिलेंगे वही अनपढ़ मिलेंगे। लेकिन ये जो अनपढ़ मिलेंगे वो अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी चीज़ें जीते होंगे, और ये जो है ये लोग क्या है, गवर्नमेंट के चक्कर में, सरकार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। यानी कि 10 साल, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, एक रुपया कमा के घर नहीं देते, ये माँ बाप से उल्टा लेते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये घर से लेते रहे और उड़ाते भी हैं अच्छे से जम के, और फिर क्या करते हैं, एक हुनर भी इनके अंदर, एक हुनर नहीं होता, बस सिर्फ पढ़ाई। अगर पढ़ाई से कुछ नहीं हुआ, सरकार जॉब नहीं दी, यानी गवर्नमेंट हमारी जॉब नहीं मिली, तो क्या करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। कोई आके रोड पे क्या बना रहा है, कोई समोसा बना रहा है तो कोई पकौड़ी बना रहा है, यही सब हो रहा है। हम देखें अपनी आँख की देखी बात कहता रहे, ऐसे बहुत से हमारे मार्केट में हैं। देखें कोई बीए भी हमारे साथ पढ़ने वाले जो हैं, सब लोग क्या किए हैं, वही सब कर रहे हैं, कोई समोसा बना रहा है, कोई टिकिया बना रहा है, यही सब हो रहा है, और कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले बता दूँ कि अगर हमें शिक्षित है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ हुनर भी सीखना चाहिए, बस पढ़ाई के पीछे नहीं कि बस पढ़ाई 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 नहीं, उसके साथ हमें शिक्षित, यानी कि शिक्षित के साथ कुछ हमें छोटी मोटी जॉब करनी चाहिए, पार्ट टाइम जॉब। हाँ, ये अपने इंडिया की बात थी, अब अपनी यूपी की बात हम बता रहे थे। अब बातें हैं महाराष्ट्र में, अगर यमियत यानी कि महाराष्ट्र की बात की जाए, इसमें क्या होता है, आपको टेक्निकल अलग से सामान भी सिखाते हैं, टेक्निकल काम भी सिखाते हैं, ताकि आप इससे पढ़ाई में सफल नहीं हुए तब भी जाके अपना काम कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब जिसे बोलते हैं। यहाँ क्या करेंगे, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अनपढ़ की तादाद कितनी है, 10 10 लोग, वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के लिए ही गुजारते हैं कि हमें पैसा लाना है चाहे जैसे। ये लोग अपनी ज़िंदगी क्या, सिर्फ पढ़ाई, हमें सरकार जॉब देगी, गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे। 10 अब जॉब आती है, कोई जॉब आई तो 90 लोग खाली हैं, 90 लोग खाली हैं। अब जॉब आई मालूम है, उसमें भर्ती ज़्यादा 10 आएगी, तो मालूम है क्या करेंगे, ये 90 लोग ट्राई करेंगे, 90 लोग ट्राई किए तो 10 लोग हो गए। अब ये लोगों का हौसला बढ़ता गया कि भाई 10 लोग हो गए तो हम कैसे नहीं हो सकते, उसका लड़का हो गया तो हम कैसे नहीं हो सकते। अरे किस्मत ही हो गए, कुछ जॉब ढूंढो, कुछ अपना अलग से काम करो। बूढ़े हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, अब हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा बेटा, हो ही नहीं रहा है, क्या करेंगे। बता दो, हाल ही में मैं इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद में एक लड़का था मालूम है, उससे मैं पूछा कि भाई कितने दिन से तैयारी कर रहे हो, देखा उसने अलमारी मारी खूब ढेर सारी लाइब्रेरी की तरह बुक बना के रखा, खूब गाज के रखा। मैं बोला भाई ये बताओ कितने दिन से, बोले 10 साल से। मैं बोला 10 साल से हो, कुछ हुआ, बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। हम बोले क्या कर रहे हो, बोले अब ऑनलाइन पढ़ाई कर, हम कहीं इसको चाट चुके हो, अब उसके चक्कर में पड़े हो। कहने का मतलब ये है, 10 साल से अगर वो अपने घर वाले से 3,000 रुपया लेता हो रहा होगा साल का, तो 12×36 हो जाएगा, और 1 साल का 36,000, सोच लीजिए 1 साल का वो 36,000 ले रहा है, 1,00,000, जब 1 साल का वो कितना लिया, 3,000 महीने के हिसाब से 36,000 रुपया साल का ले रहा है। अब बताइए 36,000 10 साल का, बाप रे बाप। वो लोग तो
एकदम लूट के माँ बाप को रख देते हैं। अरे जब नहीं ट्राई कर सकते हो तो फिर कुछ थोड़ा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, अपने खर्चे पे पढ़ो ना, अपने खर्चे पे तैयारी करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, शिक्षा। हमारे घर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं शिक्षा के चक्कर में, एजुकेशन के चक्कर में। होता कुछ नहीं, लास्ट में क्या कोई पकौड़ी बना रहा है, कोई फलौड़ी बना रहा है, तो क्या बोलेंगे, चलो ये हमारा देश बेरोजगार है, ये तरक्की पे जाएगा। एकदम सच बताइएगा, ये तरक्की पे हमारा देश जाएगा, तरक्की पे कभी नहीं जा सकता। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोग जाके कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढिए और पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब करिए, अपना हुनर भी करिए, ताकि ये समझ में आए कि जॉब ना लगने पर से गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो भी कुछ कर सके, अपना अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आप लोगों लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखा दिया होगा पैसा कमाना शायद, तो आप लोग प्लीज़ जाके उसको करिए। अगर मेरा सुझाव अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलूँगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।